तो गेमर इस समय फ्री फायर मैक्स के बंदों को बहुत सारी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऐसे कमेंट और इंस्टाग्राम पर मैसेजेस आ रहे हैं कि भाई मेरा जो फ्री फायर मैक्स है वो मैं लॉगिन नहीं कर पा रहा हूँ, इंटर नहीं कर पा रहा हूँ अपने गेम में और प्ले भी नहीं कर पा रहा हूँ। तो गाइस इस वीडियो के देखने के बाद आप सभी का जो अगर ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है कि आपका जो फ्री फायर मैक्स है जिसमें अगर लोडिंग फेल्ड हो जा रहा है या फिर नेटवर्क कनेक्शन एरर वाली प्रॉब्लम देखने को मिल रही है या फिर लोडिंग स्क्रीन जैसी वाली प्रॉब्लम देखने को मिल रही है या फिर कोई भी प्रॉब्लम देखने को मिल रही हो आपके फ्री फायर मैक्स में जिसकी वजह से आप अपने फ्री फायर मैक्स के अंदर लॉगिन नहीं कर पा रहे हो, इंटर नहीं कर पा रहे हो पूरी तरह से, तो गाइस इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो फ्री फायर मैक्स है ना वो 110% गाइस यहाँ पे लॉगिन भी हो जाएगा और आप लोग यहाँ पे प्ले भी कर पाओगे बिना किसी वीपीएन वगैरह के। ठीक है, तो मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे दिखा दूँ कि कोई भी वीपीएन वगैरह मैंने यहाँ पे नहीं लगाया हुआ है और आप लोगों के सामने मैं लैपटॉप के साथ अपना जो खुद का जो फ्री फायर मैक्स है गाइस वो यहाँ पे लॉगिन करके आप लोगों के सामने दिखा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं करता हूँ साइन इन विथ फेसबुक पर क्लिक एंड थोड़ा सा लोडिंग ले रहा है गड़बड़ गाइस, यहाँ पे आप लोग देख लो कि लॉगिन फील्ड बता दिया, लेकिन मैं अभी यहाँ पे सेकंड टाइम करूँगा तो मेरे जो फ्री फायर मैक्स है गाइस वो 100% यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे टैप तो करता हूँ तो मेरा जो फ्री फायर मैक्स है वो गाइस यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पे वेट करते हैं एंड अब देखो यहाँ पे आप लोग के सामने मैं बिल्कुल भी कोई कटिंग वगैरह नहीं कर रहा हूँ और लॉगिन करके बिल्कुल दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख भी लो, फिर से मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख लो कोई भी वीपीएन वगैरह नहीं लगाया हुआ है। तो गाइस आप लोगों की भी अगर फ्री फायर मैक्स में कोई ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है जिससे कि आप अपने फ्री फायर मैक्स को लॉगिन नहीं कर पा रहे हो, पूरी तरह से इंटर नहीं कर पा रहे अपने गेम में, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो फ्री फायर मैक्स 110% आपका लॉगिन हो जाएगा। तो गाइस ट्रिक बताने से पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से कर दो लाइक एंड चैनल पर पहली बार आया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोगों की ये प्रॉब्लम गाइस 110% फिक्स आउट करवा के आप लोगों का फ्री फायर मैक्स 110% लॉगिन करवा देते हैं। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले इसे यहाँ पे कट कर देते हैं गाइस। ठीक है, तो कट करते हैं एंड उसके बाद क्या करना है मैं आपको बताता हूँ गाइस। ठीक है, तो देखो गेमर सबसे पहले काम आपको क्या करना है कि आपको अपने स्मार्टफोन के अंदर अपने इंस्टाग्राम आईडी में चले जाना है। ठीक है, इंस्टाग्राम आईडी में जाने के बाद आपको इसके सर्च बार में जाना है एंड उसके बाद यहाँ पे आपको क्या काम करना है कि आपको यहाँ पे टाइप करना है जंगजू गेमर जी। ठीक है, जंगजू गेमर टाइप करके आपको यहाँ पे सर्च आउट कर देना है एंड उसके बाद आपको ये वाली आईडी यहाँ पे ओपन कर लेनी है एंड यहाँ पे गाइस आपको क्या काम करना है कि इस आईडी के यहाँ पे आप लोगों को एक लिंक देखने को मिल जाएगी, ये जो दिख रहा है ना आपको सिंपली यहाँ पर इस लिंक पर क्लिक आउट कर देना है। ठीक है, जिसे यहाँ पे आप लोग क्लिक आउट करोगे और थोड़ा सा वेट करने के बाद यहाँ पे आपको इस तरह की वेबसाइट यहाँ पे खुल के सामने आ जाएगी। तो आपको गाइस यहाँ पे क्या काम करना है कि स्क्रॉल डाउन करते हुए आपको यहाँ पे नीचे की साइड में जाना है। ठीक है, हम चलते हैं यहाँ पर नीचे की साइड में एंड यहाँ पे गाइस आपको क्या काम करना है कि आपको देखने को मिल जाएगा कहाँ पर है ये क्लिक हेयर टू वाला, ये जो ऑप्शन देखने को मिल रहा है वन वाला नहीं, आपको यहाँ पे क्लिक हेयर टू वाले ऑप्शन पर सिंपली क्लिक आउट कर देना है। जैसे यहाँ पे क्लिक आउट करोगे तो आप रीडायरेक्ट हो जाओगे अपने प्ले स्टोर के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग इस तरह की एप्लीकेशन जो आ जाएगी आप लोगों के सामने तो इसे यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना अपने स्मार्टफोन में। तो मैंने इसे पहले से इंस्टॉल वगैरह कर रखा है तो मैं इसे सिंपली यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर इसे यहाँ से कट कर देना है एंड उसके बाद यहाँ पे गाइस आपको इस लोकेशन वाले ऑप्शन पर सिंपली क्लिक आउट कर देना है राइट साइड की तरफ एंड यहाँ पे गाइस आपको इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा और आपको बहुत सारे सर्वर देखने को मिल जाएंगे। बट गाइस हमें क्या काम करना है कि ये जो इंडिया के नीचे वाला सर्वर देखने को मिल रहा है सिंगापुर वाला, आपको सिंपली यहाँ पे टैप आउट कर देना है एंड यहाँ पे ये कनेक्टिंग होना स्टार्ट हो जाएगा और फाइनली गाइस ये कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे वेट करते हैं एंड इसे पूरी तरह से यहाँ पे कनेक्ट होने देते हैं। तो ये गाइस यहाँ पे फाइनली कनेक्ट हो चुका है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे देख लो ये पूरा तरह से यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है गाइस एंड अब हम यहाँ पे क्या काम करेंगे कि इसे यहाँ पे मिनिमाइज करते हैं। ठीक है, मिनिमाइज करने के बाद अब हम लोग यहाँ पे क्या काम करेंगे कि अपना जो फ्री फायर मैक्स है उसे यहाँ पे सिंपली ओपन कर लेंगे। बट गाइस हम लोग यहाँ पे चलिए ओपन करते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे मैं बता दूँ कि ओपन करने से पहले आपको यहाँ पे क्या काम करना है कि आपको अपने स्मार्टफोन के सेटिंग में जाना एंड सेटिंग में जाने के बाद आपको क्या काम करना है कि स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे की साइड में जाना एंड यहाँ ऐप्स वाले ऑप्शन पर क्लिक आउट कर देना एंड मैनेज ऐप्स में जाना। ठीक है, अभी आप अपना फ्री फायर मैक्स ओपन मत करना। ठीक है गाइस, आपको यहाँ पर मैनेज ऐप्स में जाना है देन उसके बाद यहाँ पे क्या काम करना है कि मैं बताता हूँ आपको करना क्या है। ओके, एंड यहाँ पे गाइस आपको अपना जो फ्री फायर मैक्स है उसे यहाँ पे सर्च कर लेना है। ठीक है गाइस, तो मैं यहाँ पर अपना जो फ्री फायर मैक्स है उसे यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ एंड उसके बाद इसे यहाँ पे इस तरह से ओपन करके क्लियर डाटा पर क्लिक करके क्लियर कैच पर क्लिक कर देना है एंड ओके पर टैप आउट कर देना है। अब ये आपको यहाँ पे इसे पूरी तरह से कनेक्ट यानी कि कट कर देना है। ठीक है, कट करने के बाद हमारा तो वीपीएन यहाँ पे लगा हुआ है एंड अब हम लोग यहाँ पे क्या काम करेंगे,
इस पर सिंपली क्लिक आउट करके अपना जो फ्री फायर मैक्स है उसे यहाँ पे ओपन कर लेंगे, ठीक है। एंड गाइस मैं आप लोग को ये भी बता दूं कि मैंने वीपीएन क्यों लगाया हुआ है, क्योंकि हमें ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिल रही थी और अभी मैंने जब अपना फ्री फायर मैक्स ओपन किया था बिना किसी वीपीएन के, आप लोगों ने देखा भी था लाइव प्रूफ के साथ, क्योंकि अगर हमें ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिल रही तो आपको यहाँ पर वन टाइम के लिए, आपको मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको बार बार वीपीएन को लगाना पड़ेगा, आपको सिर्फ यहाँ पे वन टाइम के लिए अपना जो वीपीएन लगा लेना है, कनेक्ट कर लेना है एंड उसके बाद अपना जो फ्री फायर मैक्स वन टाइम के लिए ओपन कर लेना है। पूरी तरह से जब यहाँ पे लॉगिन हो जाओगे, एंटर कर जाओगे अपने गेम के अंदर, तो आप लोग क्या करना कि अपने जो वीपीएन वगैरह है उसे यहाँ पे डिसकनेक्ट भी कर देना या फिर अनइंस्टॉल भी कर दोगे, तो भी यहाँ पे दोबारा आपको कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी और आप लोग का फ्री फायर मैक्स यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा एक बार, उसके बाद आप वीपीएन को डिसकनेक्ट कर देना गाइस, ठीक है। तो आप लोग देख लो यहाँ पे लाइव प्रूफ के साथ मैं अपना जो फ्री फायर मैक्स है गाइस वो यहाँ पे लॉगिन करके दिखा देता हूँ, टैप टू करता हूँ तो मेरा यहाँ पे पूरी तरह से फुली लॉगिन हो जाएगा, ओके। तो उसके बाद आप हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपना जो वीपीएन वगैरह है उसे यहाँ पे डिसकनेक्ट कर देंगे, इंस्टॉल भी कर देंगे तो भी दिक्कत वगैरह नहीं आएगी। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो यार मिलते हैं फिर से किसी न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।